ओम त्रयंबकम् यजामहे सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मोक्षीय मामृता। नमस्कार, मैं हूँ रानी सिंह और आप देख रहे हैं द फॉलो। इस वक्त मेरे पीछे के नज़ारे को देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं पहाड़ी मंदिर के पास खड़ी हूँ। सावन का महीना है और आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज दूसरी सोमवारी है। इस नज़ारे को देखकर आप समझ सकते हैं कि कोरोना वायरस ने हमारे जीवन को कितना प्रभावित किया है। यह वही सोमवारी का दिन है जहां हजारों की संख्या में भीड़ रहती थी और भीड़ इस कदर रहता था कि फोर्स तैनात किए जाते थे, हर जगह बैरिकेडिंग की जाती थी। लेकिन आज कोरोना कोविड के कारण लोगों की संख्या बहुत कम है और कम लोगों में भी कई पुलिस प्रशासन जो है यहाँ पर तैनात है कि ज़्यादा लोगों की भीड़ ना हो सके। और लोग जो है गेट के पास ही आप देख सकते हैं पूजा कर रहे हैं, अंदर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, गेट को पूरी तरह से लॉक किया गया है और लोग जो है गेट के पास ही जितना हो सके पूजा कर पा रहे हैं। हम यहाँ कुछ भक्तों से और कुछ दुकानदारों से बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से कोरोना काल ने उनके जीवन को प्रभावित कर दिया है अब, और लोग बाबा के दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, उनका पूजा नहीं कर पा रहे हैं। ये लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कहाँ से आए। ऊपर बाजार से पूजा करने आए हैं। अच्छा, कोरोना काल में कैसा लग रहा है, ऐसे लोग भक्त जो है बहुत कम है? अच्छा नहीं लग रहा है। आप क्या मांगने आए हैं आज भगवान से, क्या मांगेंगे? कि जल्दी कोरोना ये हो जाए, लॉकडाउन खुल जाए। कहाँ से आए हैं? चुटिया से। चुटिया से आए। क्या मांग रहे हैं? कुछ नहीं, बस ऐसी सोमवार का व्रत किए हैं। हाँ, पूजा बस ऐसी किए हैं, क्या मांगेंगे, सब तो मिल ही गया। अच्छा, हर बार जो है लोगों की बहुत भीड़ रहती थी, इस बार नहीं? हाँ, है बस यही है कि इस बार हम लोग ऊपर जाके पूजा नहीं कर पाए, बाहर से ही पूजा करके जा रहे हैं। कहाँ से हैं? चुटिया ही से है। चुटिया से है। क्या मांग रहे हैं शिव जी से? कुछ नहीं, बस पूजा करने आए थे। नहीं चाहते कि जल्द से जल्द कोरोना खत्म हो? एकदम चाहते तो है जल्दी से जल्दी ये कोरोना हट जाए। और यहाँ पूजा करने की क्या व्यवस्था? ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, नीचे से ही सब कर रहे हैं, गेट के पास से। हम इस बार पूजा करने की जो व्यवस्था थी वो सीढ़ी पर हो रही है, गेट के पास ही हो रही है। कैसा लग रहा है? हर बार से तो अलग है, सब लोग पूजा करने आता है सर, तो इस बार तो बहुत भीड़ होती है। ठीक है, गेट के पास ही? हाँ, गेट के पास है, सैनिक कॉलोनी से। हमारे साथ एक पहाड़ी मंदिर के पास ही जो है दुकान लगाते हैं, दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? कैलाशपति पाठक। हर बार जो है बहुत ज़्यादा सावन के समय में भीड़ रहता था, काफ़ी अच्छी बिक्री वगैरह होती थी, इस बार क्या हाल है? इस बार कुछ नहीं है, सरकार के तरफ से लॉकडाउन है जिसके कारण कुछ नहीं है। बहुत कम मात्रा में, 5% बंद है तो कोई नहीं आ रहा। मतलब पिछले सोमवार को? हाँ, पिछले सोमवार को थोड़ा अधिक भीड़ हुई थी बस। इस बार अभी तक कितना लोग आए? इस बार 5,000 आदमी आए होंगे बस। और हर बार हजारों की संख्या? लाखों की संख्या में। और ऐसे आप लोग कितना कमा लेते हैं हर दिन? लगभग 1-1.5 लाख रुपया पूरा, सब 1.5 साल से पूरा ठप। भीड़ एकदम नहीं है, कुछ नहीं। पहले बार तो भीड़ था, आया लोग देख के चल गया कि गेट बंद है, अभी कुछ भीड़ नहीं हुआ। सुबह से बिक्री हुआ है थोड़ा बहुत। हर बार कितना बेचते थे? इस बार तो 2-3 हज़ार बिका है, पहले तो 40,000-50,000 बिक जाता था हम लोग के सोमवार के दिन। मतलब अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत? बहुत बहुत। क्या मांगेंगे भोले बाबा से? भोले बाबा तो क्या मांगे, भोले बाबा तो अपने लॉकडाउन में अंदर ही बंद है, गेट पास भीड़ हो रहा है, अंदर तो खोल देता तो बहुत कम भीड़ होता, लेकिन गेट पास तो थोड़ा भी कस्टमर आ रहा है तो भीड़ हो जा रहा है, वो तो और कोरोना फैल रहा है वहाँ पे, मतलब दिक्कत है। हाँ, दिक्कत तो हो रहा है। क्योंकि आप नारियल के स्पेशली विक्रेता दिख रहे हैं, तो कैसा लग रहा है पिछले बार और इस बार का? क्या पिछले बार तो पूरा बंद था। और पहले कितना ऑर्डर करते थे नारियल का? बहुत, 5 बोरा 6 बोरा एक दिन बिकता था, अभी तो 1 बोरा भी नहीं बिकता है, 10-20 नारियल निकलता है। इस बार क्या भक्तों की संख्या? बहुत कम है, जहाँ 100 आना चाहिए वहाँ 5-6 आ रहे हैं। दादी, हर बार बहुत भीड़ होता था, इस बार नहीं हो रहा है? हाँ, अब की बार नहीं हो रहा है, 2 साल से नहीं हो रहा है, 2 साल से आदमी भूखले मर रहा है, दुकानदारी होते नहीं है, कहाँ भीड़ भड़ाका है, कुछ भीड़ भड़ाका नहीं है। मंदिर बंद होने के कारण है कि आदमी नहीं चल रहा है,
पेपर में भी दे देता है, कभी कुछ करता है, कभी कुछ कर देता है, क्या होगा। सरकार देता है खाने के लिए, दुकान वाला मर रहा है, भूखले मर रहा है, 100-200 में क्या होगा उतना परिवार में। क्या मांगेंगे इस बार भगवान से? भोलेनाथ से कहाँ मांगेंगे? भोलेनाथ से कह रहे हैं जो दुकान अब अपन खोलिए, गेट खोल दीजिए, सब भगत लोग पूजा करें, हम लोग के भी 2 पैसा आवे। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब www.thefollowup.in